हाँ दोस्तों, आज हम करने जाने वाले हैं रिव्यू अपने इस बुक का नीट की। तो कई लोगों को परेशानी रहती है कि भैया किस तरह की बुक है ये नीट, तो हम सारा डिटेल में जानेंगे कि आखिरकार इसमें क्या क्या दिया है, चैप्टर के ओवरव्यू किस तरह से दिए गए हैं या नहीं दिए गए हैं, इन सब के बारे में जानेंगे। तो चलिए ओपन करते हैं। वैसे ये मैंने मार्केट से ख़रीदी है एक किताब, और यहाँ मेरे को मिली है ये किताब करीबन 440 में। तो चलिए, ऑनलाइन में इसका रेट सस्ता था पर डिलीवरी नहीं हो पा रही थी जहाँ मैं रहता हूँ, तो इस कारण मैंने बाहर खरीदना पसंद किया। तो चलिए, खोलते ही हमें यहाँ पास शुरू में लिखा हुआ कि 12 ईयर के यहाँ सॉल्व क्वेश्चन पेपर्स दिए गए हैं नीट के। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो कंटेंट में आप देख सकते हैं कि हमें क्या क्या दिया गया है। इतने सारे कंटेंट हैं, नीट नेशनल, नीट उड़ीसा, नीट सॉल्व पेपर, नीट एम्स, इस तरह के। तो क्वेश्चन काफ़ी, मैंने क्वेश्चन पेपर मैच किए तो काफ़ी सेम सेम टू सेम है, मतलब सेम टू सेम ही आप बोल सकते हो, पूरा का पूरा क्वेश्चन सेम टाइप के। फिर इसके बाद यहाँ 45 क्वेश्चन फिजिक्स के दिए हैं, इसके बाद केमिस्ट्री के क्वेश्चन, इसके बाद बायो के क्वेश्चन, इस तरह से सारे क्वेश्चन दिए गए हैं। इसके बाद आखिरी में आप देख सकते हैं करीबन क्वेश्चन ख़त्म होने के बाद यहाँ आंसर पूरा दिया गया है। इसके बाद आंसर देने के बाद यहाँ आंसर विद एक्सप्लेनेशन दिया गया। तो आप जितने भी चैप्टर देखेंगे सारे के सारे का यही है कि आंसर विद एक्सप्लेनेशन सबका दिया गया है। तो आप देख सकते हैं कि हर एक केस का एक सॉल्व एक्सप्लेन आंसर दिया गया है ईजी में, तो आप इसे आसानी से समझ सकते हैं। कोई भी रविश लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं किया गया है। इसके बाद आप आगे जाएंगे तो सारे के सारे जितने भी दिए गए हैं उड़ीसा के, ऑल इंडिया नेशनल के, तो सारे के सारे इसी टाइप के हैं, सॉल्व और वेल एक्सप्लेन्ड हैं अगर आप चाहते हैं तो। आगे चलिए बढ़ते हैं, तो बस फिलहाल इतना ही, और आगे कोर्स की मैं किताब खरीदूँगा तो आपको ज़रूर अपडेट दूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स एंड सी यू अगेन।